हाय फ्रेंड्स, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। अज का मेरा टॉपिक हैगा ना गुलाब के फ्लावर के उत्ते कि अपने हुण गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई और गर्मियों के अपन ने रोज़ की केयर किदा करनी है, ठीक है। क्योंकि गर्मियों के रोज़ ना धुप इन्नी ज़्यादा तेज़ होंगी है भी मतलब खराब प्लांट खराब हो जाते हैं क्योंकि इन्नी ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होंगी प्लांट्स तो। अपा ने इस मतलब हूँ ना जी जो हूँ इन्नी गर्मी के अपा ने इन्हों कि संभालना है, ठीक है। तो पहला तो अपा ने इसकी डेली वाटरिंग करनी है और इसकी वाटरिंग अपन ने क्योंकि गर्मी इन्नी ज़्यादा है ना तो मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है। तो अज मौसम थोड़ा जहा ठंडा सीगा, धुप इन्नी ज़्यादा नहीं निकली तो देखो मेरी मिट्टी थोड़ी मॉइस्ट है, तो इसलिए मैं हूँ इस टाइम पानी दूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी दूंगी। तो ये देखो मेरे रोजेस किन्ने प्यारे प्यारे खिले हुए हैं, तो क्योंकि इस गर्मिया के ना क्योंकि रोज़ ना गर्मी के थोड़े घट लगते हैं तो इन्हों का थोड़ा साइज छोटा होता, बट मेरे रोज़ देखो किन्ने बड़े बड़े साइज़ हैं सारे। तो ये देखो किन्ने प्यारे मतलब साइज़ भी वड्डा वड्डा है, इन्हों छोटे नहीं है। मेरे सारे ही रोज़ वैसे बहुत वधिया खिले हुए हैं, मैं थोड़ा बाकी भी दिखानी है अपने। आ देखो तो ये वाला मेरा प्लांट है, ये हूँ थोड़े ख़राब हो गए। आ देखो ये जिन्हें दी मैं सकर्स कट्टे सी ना जिन्हें, तो देखो वे इन्ने सारे फ्लावर्स नवे निकले। आ देखो बर्ड्स निकल रही ने नवीं, तो देखो ये मेरा वो वाला प्लांट है जिसके मैं सकर कट्टिया सी, इसके साइड से एक होर सकर्स नहीं दो सकर्स होर निकले, उन्होंने भी मैं कटिंग करनी है। तो कटिंग क्योंकि इस दे अगर आ देखो इस दे है ना पत्ते ड्राई होने लग गए क्योंकि इसकी ना रूट बहुत उपर है, छोटी जी रूट है इसकी कटिंग जी, मतलब जो प्लांट है ना इसकी रूट छोटी और ये हिल गया, तो इसकी रूट हिल गई इस करके ये थोड़ा ड्राई हो रहा है। हूँ मैं इसकी थोड़ी जी मिट्टी वगैरह इसके साइड पर लगा के इसको थोड़ा जहा ठीक करूँगी। तो देखो मेरे यहाँ दूसरे वाले रोज़ पिंक वाले, आ देखो मेरे फ्रेंड्स सारे रोजेज़ दे ना मतलब साइज़ छोटा नहीं है, काफ़ी बड़े साइज़ के रोज़ है मेरे सारे ही लगे हुए जड़े। तो देखो ये सारे बड़े बड़े साइज़ के लगे हुए हैं, तो इस क्यारी दे विच मेरे सारे पिंक रोज़ लगे हुए है, तो कावला पिंक रोज़ लगे हुए हैं, तो मेरी एक कावली क्यारी दे विच। आ देखो ये सारे रोज़ ना बारिश आई बहुत ज़्यादा, तो यह मेरा प्लांट रोजेज़ ना बहुत ज़्यादा भरिया होया सीगा, इन्ना ज़्यादा भरिया होया सीगा। तो इसके फ्लावर मैं फोटो पाई सी वैसे खिंच के, तो हुण आपां ने इसदे उत्ते आ देखो जिहड़े सारे मेरे फ्लावर सारे ड्राई होकर गिर गए ना, तो हुण आपां ने इन्हां दे आ सारे जिन्ने भी हैगे है ना मतलब रोज़ खराब हो चुके, इन्हां नूं आपां ने उतार देना क्योंकि आपां अगर उतारांगे नहीं ना तो अगे रोजेज़ नहीं नवे लगने हैगे क्योंकि इन्हां दे विच सीड बनने स्टार्ट हो जाने, इसलिए इन्हां नूं सारिआं नूं आपां ने उतार देना ताकि उसके उत्ते नवें रोज़ लग सकन। तो इसनों तुसी कटर दे नाल भी कट सकते हो, हुण मेरे को इस टाइम कटर नहीं है मैं तो इदां ही कट रही हूँ। तो ये सारे अपने इदां कटिंग कर देनी है, तो अपने इसमें डेली पानी देना दो टाइम, अगर धुप बहुत ज़्यादा तो दो टाइम देना, अगर धुप ठीक ठाक है तो एक टाइम भी चल जाएगा क्योंकि हुण गर्मी बहुत ज़्यादा वध जानी है जून जुलाई के, फिर इसमें डेली पानी की जरूरत पैंदी है, दो टाइम पैंदी है, मैं सवेरे शाम दो टाइम पानी पाउंदी हाँ। तो इसके भी फ्लावर्स काफ़ी बड़े बड़े आते हैं, तो छोटे नहीं है, इन्हों का भी साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो इसकी अपने ना डेली सॉरी इसनों ना अपने वाटरिंग कर दे, इसकी मतलब इस उत्ते शावरिंग करनी है क्योंकि जी अपने प्ला प्लांट्स के ना हूँ गर्मी के इस उत्ते छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, फिलहाल तो मेरे प्लांट के उत्ते है नहीं क्योंकि लग चुके ने कीड़े, हूँ सारे मतलब बारिश के नाल सारे क्लीन हो गए, इसलिए अपना बारे जो भी मतलब पानी देना है ना इसनों अपना इसनों पूरा शावरिंग करनी है, शावरिंग करके तो इसनों क्लीन कर देना है। तो एक मेरा प्लांट ये वाला है, ये भी बड़े बड़े रोज़ खिले मैरून कलर दे जेडे कि हूँ खत्म हो चुके हैं, तो ये देखो इस दे उत्ते सीड बनने शुरू हो गए, तो इसलिए इन्हों उतारना जरूरी है। तो आ देखो इस दे उत्ते भी रोज़ काफ़ी लग रहे हैं, ये वाला मेरा प्लांट ना दूसरी जगह लगे से मैं पूरा कट के इस इतने लगाता, तो हूँ इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी, पहले तो सुक गया सी बट हुण ये ग्रो करन लग गया, तो हुण इस उत्ते फ्लावरिंग भी होनी स्टार्ट हो गई है। तो इसनों आपां ने वाटरिंग इसकी शावरिंग करनी है डेली एक बार, तो अगर धुप बहुत ज़्यादा मिट्टी सुक गई तो दो बार करनी है। तो कई लोग पूछते हैं भी इसनों धुप में पानी देना या नहीं, मैं तो मतलब धुप च भी दे जे हुण जिवें सुक गई मिट्टी ज़्यादा धुप है तो मैं क्योंकि अगर तुसीं सवेरे पानी दिता होया ना तो तुसीं दोपहर में भी पानी दे दोगे कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा, तो प्लांट को कुछ नहीं होंगे। हाँ अगर तुसीं सवेरे भी पानी नहीं दिता और फुल धुप दे विच तुसीं पानी दे रहे हो तो फिर प्लांट नूं हार्म करेगा वह पानी। तो इसनों मैं खाद दे विच मैं इसनों सिर्फ ना गोबर की खाद पानी है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा गर्म खाद क्योंकि गर्मी तो पहले ही बहुत ज़्यादा और मैं ज़्यादा गर्म खाद वगैरह पाती नहीं है, यूरिया वगैरह वैसे मैं यूज़ करती हूँ बट थोड़ा करती हूँ,
सब तो ज़्यादा मैं गोबर दी खाद यूज़ करती हूँ, क्योंकि रोज़ वास्ते मेरे हिसाब न तो गोबर दी खाद सब तो बेस्ट है। क्योंकि देखो मेरे फ्लावर्स सारे प्लांट्स के उत्ते बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं मेरे, ये देखो सारे मतलब मेरे प्लांट ना फ्लावर्स भरे रहते हैं प्लांट फ्लावर्स के नाल, और ये बड़े बड़े साइज के फ्लावर लगते हैं। और ये सिर्फ गोबर दी खाद है, और कुछ नहीं है, मैं और कुछ नहीं पाया है, सिर्फ गोबर दी खाद पानी है। तो बस इसकी इसकी गुड़ाई करनी पैनी करनी जरूरी है इसकी, मतलब एक बार मंथ के विच गुड़ाई जरूर करो अच्छी तरह गुड़ाई करके ना। तो गोबर की खाद भी मैं मतलब हुण मैनू इस पाई नूं, क्योंकि यह जिस टाइम मैं इसकी कटिंग की थी ना उस तो पहले मैं इस गोबर की खाद पाई सी, तो उस तो बाद मैं दोबारा नहीं पाई। हुण मैं इसकी गुड़ाई करूँगी, क्योंकि हुण इस दे उत्ते फ्लावर लगे हुए ने, तो यह प्लांट हैवी फीडर हुंदा है, क्योंकि जिन्हें भी प्लांट फ्लावर्स वाले होंगे ना उन्होंने खाने की ज़्यादा जरूरत पैंती है, इस करके इसनों खाद की ज़्यादा जरूरत है। तो इस दे विच गोबर की खाद यूज़ करूँगी मैं, तो इस दे प्लांट के जिहड़े सकर्स लगे हैं उन्हों की कटिंग करूँगी। बस ये देखो फ्रेंड्स, ये ना मतलब ये मेरे जिहड़े प्लांट्स है ये लगे हुए हैं नीचे जमीन दे विच, ते अगर क्योंकि हमने जमीन दे विच लगे हैं और मैं इन्हों साल दे विच एक बार गोबर की खाद पानी है, सिर्फ मतलब सॉरी साल विच नहीं 6 महीने बाद एक बार गोबर की खाद पानी है, तो मैं इस क्यारी नू मतलब गोबर की खाद जी पुरानी होंगी है ना तो काफ़ी ज़्यादा इस दे विच खाद इन्नी ज़्यादा पा दिनी है भी इसको फिर पूरा 6 महीने इसमें जरूरत नहीं पैंती खाद की। तो हूँ इस मैं 6 महीने पहला खाद पाई होनी है, तो यह क्यारी मेरी खाद मतलब काफ़ी ज़्यादा पा दिनी होंगी है मैं इस दे, तो यह उस तो बाद काफ़ी देर इसी नाले मलचिंग हो जाती है, तो नाले इसकी मतलब इसकी अच्छी इसनों सारा न्यूट्रेंट्स इस प्लांट्स में मिलते रहेंगे है। तो अगर थोड़े प्लांट्स पॉट्स के भी, क्योंकि हम सारे के कोल जमीन नहीं हैगी पॉट के बीच भी लगाए हैं, जिन्होंने पॉट के बीच लगाए हैं तो थोनू क्योंकि पॉट के बीच मिट्टी थोड़ी होंगी है तो उन्होंने न्यूट्रिशन नहीं बनता है, क्योंकि जी जमीन है इस न्यूट्रिशन नीचे तो कुदरती तौर पर बनता रहता है। तो पॉट के बीच फिर अपन 15 दिन के एक बार खाद जरूर पानी पैंती है, तो उस दे विच अपना DAP खाद DAP आती है, DAP भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब 15 दिन हर 10-15 दिन बाद 3-4-5 दाने उस दे पॉट के बीच अपने पाने हैं, गुड़ाई करके पा के उस दे विच अपना वॉटरिंग कर देनी है। तो मैं इस दे विच मैं गोबर की खाद, अगर तुम गोबर की खाद भी पानी है ना तो पॉट के बीच गोबर की खाद भी पा सकते हो, क्योंकि गोबर की खाद इन्नी ज़्यादा गर्म नहीं होंगी, जो बहुत पुरानी होंगी है ना तो बहुत गर्म नहीं होंगी, और गर्मी के ज़्यादा गर्म खाद नहीं पानी चाहिए हैगी, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा गर्म खाद पा दोगे तो खराब हो जाएगी, और पानी भी लिमिट के बच्चे है, अगर तुम ओवरडोज दे दोगे ना तो थोड़ा प्लांट डेड हो जाएगा उस दे नाल। तो क्योंकि गोबर की खाद है ये कोई नुकसान नहीं करती, आई थिंक कोई नुकसान नहीं करती, क्योंकि मैं तो हूँ तक यही देखा, क्योंकि मेरे सारे प्लांट्स के बीच में उही पानी है, तो मेरे देख लो सारे प्लांट्स की ग्रोथ किनी अच्छी, आ देखो मेरे प्लांट के उत्ते आड़ू भी लगे हुए हैं। तो देखो इस क्यारी दे विच कितना कुछ लग्या होया, ये मेरी रात की रानी लगी हुई है, तो इस दे उत्ते भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, तो देखो तो इस दे विच ही मेरे रोज़ के किन्ने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो फिर मेरे विच पेंटास भी लगी हुई है, मेरा हिबिस्कस भी लग्या हुआ, और देखो सारे की ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो देखो हिबिस्कस इस दे उत्ते भी फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है, तो ये मेरा पेंटास है इसकी भी मैं कटिंग करी सी, देखो हूँ इसकी भी फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई, मतलब कि इस दे विच मैं 6 महीने बाद इस दे विच खाद पानी है, और अभी मैं सिर्फ गोबर की खाद यूज़ करती हूँ, और मैं कोई खाद क्यारियों विच यूज़ नहीं करती, पॉट्स के विच जिहड़े मेरे पॉट्स लगे हैं उन्होंने विच मैं DAP यूज़ करती हूँ थोड़ी बहुत, और गोबर की खाद भी पा दनी है, तो मतलब जिमें 6 महीने बाद ये पानी है, 6 महीने बाद ही मैं पॉट्स के बच्चे भी पा दिनी है, या फिर मैं 2-4-5 दाने DAP दे यूज़ कर लैनी है, मेरे को DAP पई है, DAP 4-5 दाने बस मैं पॉट के पा देने हैं गुड़ाई करके, तो उस दे नाल भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो मेरे देखो रोज़ बहुत अच्छे लगे हुए हैं, तो इसनों ओवर वाटरिंग मतलब ओवर वाटरिंग की पानी मतलब पॉट के खड़ा नहीं रहना चाहिए, वेल ड्रेन पॉट हमेशा मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन चाहिए है पॉट की, बस पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पानी के क्योंकि इस टाइम के ना फंगस का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है, जमीन के हजे तक तो मेरे प्लांट्स के कोई फंगस की प्रॉब्लम आई नहीं है, मेरे प्लांट्स जिन्हें भी है काफ़ी अच्छी ग्रोथ है सारे की, तो फ्लावरिंग भी बहुत है, तो फंगस मेरे प्लांट्स से तो है नहीं, वैसे तुम फंगस वास्ते फंगीसाइड कई आते हैं, ट्राइकोडरमा आता वो यूज़ कर सकते हैं तुम, बट थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, तो इस उत्ते नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं तुम,
मैं ये चीज़ां बहुत घट यूज़ करती। मैं नीम ऑयल वगैरह कभी यूज़ नहीं किया है। मैं बस इस दी, क्योंकि जिस टाइम इस दे उत्ते ना छोटे छोटे कीड़े लगने स्टार्ट हो जाते हैं ना, इस दी सारी जी स्टेम होंगी है ना, इस कीड़े लग जाते हैं जिस टाइम फ्लारिंग होनी शुरू होती है। देखो तो फ्लारिंग होनी शुरू होती है ना, तो जी भी स्टेम है ना सारी कीड़े ना भर जाती है। तो मेरे बर्ड्स भी कई कीड़े खाना शुरू कर देता। मैं इस उत्ते बस वाटरिंग कर दी, इसकी शावरिंग कर दिनी, क्योंकि शावरिंग नाल ही जिन्हें कीड़े उत्ते चिपके होंगे ना सारे उतर जाते। अच्छी तरह इसकी शावरिंग कर दो एक बार दिन के जरूर, गर्मियों के सर्दियों के इस उत्ते तुम वाटरिंग फ्लावर के उत्ते या लीव्स के उत्ते नहीं करनी हैगी, तो सर्दियों के खराब हो जाते हैं। तो गर्मी के इसकी पूरी मतलब शावरिंग करनी है, दो टाइम कर सकते हैं तो दो टाइम कर दो। तो उस दे नाल फिर इस जिहड़े लीव्स है ना इन्हां दे उत्ते जिन्नी भी मतलब कीड़े वगैरह पैस वगैरह लगनगे ना, वो सारे क्लीन हो जाएंगे उस दे नाल ही। तो ये मेरे हुण पिछे मिट्टी हवा चलती है, तो ये मिट्टी पई हुई है उत्ते, तो इसकी मैं शावरिंग करूँगी अज। वैसे शावरिंग की जरूरत नहीं, अज मौसम देखो वैसे ही बदल होए है साढ़े तो बहुत ज़्यादा, मतलब मौसम होया है ठंड, बारिश वाला, तो बारिश आने की उम्मीद है। तो बस इसकी गुड़ाई करो। तो इसनों हूँ जिवें मेरे तो यह प्लांट क्यारी दे विच इन्हां नूं कुछ नहीं हुंदा गर्मी नाल, बट अगर ये तुसीं पॉट्स दे विच लगाए ना तो तुसीं इन्हां नूं शेड दे नीचे रखो, शेडी एरिया च रखो ताकि ये खराब ना होण। तो बस अगर थोनों मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो। ओके, बाय बाय, सत श्री अकाल।